अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शहर में कोई भूखा ना रहे इसके लिए विगत 7 वर्षों से जय महाकाल सेवा संघ द्वारा रोटी वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। उक्त संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2015 में जय महाकाल सेवा संघ के नाम से संगठन बनाया और धीरे धीरे सदस्य जुड़ते गए। आज सैकड़ों सदस्य हैं जो अपने घर से ताजी रोटियों के पैकेट एकत्र कर हर रविवार को जरूरतमंदों को वितरित करते हैं। आइए दिखाते हैं रोटी वितरण कार्यक्रम और सुनाते हैं संघ के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? नाम देवेंद्र द्विवेदी, अध्यक्ष जय महाकाल सेवा संघ। ये कार्य कर रहे हैं कब से आप कर रहे हैं? 3 जनवरी 2015 से लगातार रोटी योजना, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की एक व्यवस्था रीवा के ही कुछ समाज सेवी लोगों ने मिलकर की। जय महाकाल सेवा संघ के सभी सदस्य हुआ करते थे। मन में एक टीस थी कि हम लोग साप्ताहिक बैठक विवेकानंद पार्क में करते थे, तो ये हुआ कि हम प्रत्यक्ष लाभ क्या समाज को दें, तो सभी कार्यकर्ता अपने घरों से ताजे भोजन की पैकेट 5 रोटी, सूखी सब्जी, गुड़, अचार इत्यादि लेके आते हैं, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। तो त्वदीयं वस्तु महाकालम तुभ्यं समर्पयामि, वो प्रसाद रूप हो जाता है, तो सभी गरीबों को वितरण किया जाता है। लगातार ये आज 7वां वर्ष चल रहा है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रीवा में जब रॉकी हत्याकांड हुआ, कर्फ्यू भी लगा, कोविड का सेशन आया, इस दौर में भी लगातार यह अनवरत चल रहा है और ये महाकाल की ही योजना है। संडे संडे टू करते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन ये चलता है। टीम में कितने लोग शामिल हैं? टीम में हमारे यहाँ पास कम से कम अभी 40-50 लोग प्रति हर संडे आते हैं। लगभग 250 पैकेटें एकत्रित हो जाती हैं, जो कि कभी यदा कदा कुछ कम हो जाती हैं, और कई बार चूंकि हम लोगों से अब परिवार जुड़ चुके हैं, कई लोग फ़ोन करते हैं कि अपनी बस्तियों पर 10-15 लोग इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं वहाँ से लाते हैं। इस तरह से हम लोग 250 पैकेट हर रविवार को ताज़ा गर्म भोजन का पैकेट वितरित किया जाता है। जय महाकाल सेवा संघ।